हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष कुमरा। एंड आज का वीडियो होने वाला है रेजिस्टेंट बैंड पे या फिर रेजिस्टेंट बैंड्स पे। So, इससे पहले आप ये सोच रहे हो कि यार इसने एक जैसे दिखने वाले दो दो रेजिस्टेंट बैंड क्यों ले लिए, पागल है क्या, मतलब अकल नहीं है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इसको लेने की नीड पड़ गई, वो क्यों पड़ी वो भी सुन लो। तो देवी और सज्जनों, लेफ्ट में हमारे खड़े हैं हारे हुए एक आम रेजिस्टेंट बैंड, और जी राइट में खड़े हैं हमारे द अनडिस्प्यूटेड विजेता फिटसी रेजिस्टेंट बैंड। जी हाँ, ये जीतते हैं हेवीवेट चैंपियनशिप। सो देखो, किसी भी बंदे को चैंपियन घोषित करने से पहले बताना जरूरी है कि क्या स्टोरी रही पीछे, तो अब उस पर बात कर लेते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है बेसिकली कंपैरिजन वीडियो, जो कि होना नहीं था लेकिन अब करना पड़ेगा बिकॉज लेना पड़ेगा। बेसिकली मैं गया था रेस्ट डे पे अपना वर्कआउट करने, एंड वर्कआउट करने के पीछे की रीजन ये थी कि उस दिन मेरे को लेना था चीट मील। एंड देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर आप बाहर का खा रहे हो एंड अगर आप कैलोरीज थोड़ी बर्न कर लोगे तो ऑब्वियसली आपकी डाइट मेंटेन करने में थोड़ा आपको बेनिफिट देगा। इसी रीजन के साथ मैं गया था वर्कआउट करने अपने घर के पास वाले पार्क में, एंड वहां लेके मैं गया था ये रेजिस्टेंट बैंड बिकॉज मुझे एक चीज पहले से ही पता था कि वहां पे भीड़ होगी ही होगी। सो जो गवर्नमेंट वाला जो एक्सरसाइज का इंस्ट्रूमेंट होता है वहां पे तो आप नहीं कर सकते एक्सरसाइज, लेकिन अगर आपके पास अपना रेजिस्टेंट बैंड हो तो वहां पे जाके आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी होप के साथ मैं लेके गया था अपना पहला रेजिस्टेंट बैंड, जो कि था आर्म रेजिस्टेंट बैंड। अब वो आर्म रेजिस्टेंट बैंड को आर्म चीज बनाई क्या वो भी सुन लो। बेसिकली जब मैं वहां पे वर्कआउट करने शुरू हुआ तो मैंने पहले नोटिस किया कि इसकी क्वालिटी, देखो मैंने 700 रुपए में इसको मंगा लिया था, लेकिन 700 रुपए में मुझे उम्मीद थी कि ठीक है, मतलब अच्छा चलेगा बिकॉज 700 इज ऑल्सो मतलब ऐसे हैं, मतलब 700 रुपए ऐसे नहीं दे सकते, तो था दाम सही था। तो जब मैंने वहां पे वर्कआउट करना शुरू किया तो मैंने ना धीरे धीरे थोड़ी होप ना गिरती गई। होप इसलिए गिरती गई क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी कि क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन वो नहीं था। अब इसके पीछे का मैं आपको डेमो भी दूंगा बिकॉज आपको देखना भी जरूरी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पार्क में मैंने अलग अलग रेजिस्टेंस बैंड को लगा के एक्सरसाइज की, बिकॉज इसमें क्या था कि इसमें 5 अलग अलग वेट के रेजिस्टेंस बैंड आ जाते हैं। जी हाँ, इस रेजिस्टेंस बैंड को लेने का फायदा बेसिकली ये है कि इसमें आपको एक्सट्रीमली लाइट फिर मीडियम फिर हैवी एंड फिर सबसे हैवी, ये 5 वेट्स का ऑप्शन मिलता है जिसके वजह से आपका वर्कआउट अच्छा हो सकता है। हाउएवर, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसा मैंने आपको कहा कंपैरिजन में, तो जो सबसे पहला कंपैरिजन का पॉइंट बनता है वो है द क्वालिटी ऑफ दीज ट्यूब्स। जी हाँ, अगर आप कोई भी रेजिस्टेंट बैंड ले रहे हैं तो आप चाहोगे कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, एंड क्वालिटी की बात कर ही दें तो क्यों ना आपको ये चीज दिखाई जाए बिकॉज ये जरूरी है। तो आप ये देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये ट्यूब को उखाड़ा क्यों, तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने इस ट्यूब को नहीं उखाड़ा बिकॉज ऑब्वियसली मेरे इसमें भी पैसे लगे, एंड मैं नहीं उखाड़ना चाहूंगा कोई भी ट्यूब जिसमें मेरे पैसे लगे हैं, लेकिन ये मैंने किया नहीं, पर ये हो गया। अब ये हुआ कैसे, वीडियो में आप देखेंगे कि ये जो मेरा ब्लैक कलर का इसका जो होल्डर वाला बैंड है वो उतर के नीचे आ जाता है, जो कि मैंने पार्क में ही रियलाइज करा। एंड जब मैं घर आया तो मैंने जब इसको दोबारा फिट करने की कोशिश की तो आई रियलाइज किया कि इन्होंने फिट ही ऐसे करा हुआ है, मतलब टेक्निकली अगर आपकी ये रोप निकल जाती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये यहाँ पे हल्का सा निशान भी पड़ गया है, मतलब ये ऊपर चीज खिंच चुकी है, तो ऊपर खिंचने की वजह से ऑलरेडी निकलने वाला है, एंड एक टाइम बाद शायद ये निकल ही जाएगा बिकॉज अगर एक दिन के वर्कआउट से इसका ये हाल हुआ है तो आई एम श्योर ये 5-6 दिन से ज्यादा टिकने नहीं वाला। अब इसके वजह से मुझे लगा बड़ा बुरा, अब बुरा इसलिए लगा बिकॉज यार अगर आप रेजिस्टेंट बैंड ले रहे हो एंड पहले दिन पे ये हाल है, जिसमें मैंने एक्सरसाइज भी सिर्फ 2-3 ही करी रेजिस्टेंट बैंड से बिकॉज देन अगेन मैं बाहर गया था वर्कआउट के लिए, तो फायदा क्या। वहीं अगर मैं दूसरे फिटसी के रेजिस्टेंट बैंड की बात करूं तो आप ये भी देखो कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे वो वहां पे अटैच्ड है उस हुक के साथ, वो जो क्लॉथ है उसके वजह से वो जो रोप है वो नीचे नहीं खिसक सकती। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको कितना भी खींचूं ये नहीं उतरने वाला बिकॉज इसमें ये स्ट्रिंग अटैच है, ये बेसिक क्लॉथ एंड काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है कि ये चाह के भी मैं नहीं निकाल सकता। हाउएवर मुझे लगता है कि अगर मैं इस पर पूरा प्रेशर डालूं तो ये निकल जाएगा, निकाल लेंगे। दूसरी चीज ये थी कि इनकी जो क्वालिटी है ट्यूब्स की उनमें भी जमीन आसमान का फर्क है। अब मैंने आपको दिखा दिया कि वो ट्यूब कैसे जुड़ी हुई है, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ उस स्ट्रिंग की जो कि अटैच आपको मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल येलो ब्लू ग्रीन कुछ भी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब ये चीज मैं आपको पर्सनली यहाँ पे नहीं कन्वे कर सकता बिकॉज ऑब्वियसली मैं आपको किसी भी चीज को क्वालिटी का अगर आपको जानना है स्पेशली ट्यूब की, तो आप चाहेंगे कि आप उसको टच करके महसूस कर सकें या फिर वर्कआउट करते टाइम आप फील कर सके, लेकिन अगर आप मेरी बात में मानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि भाई फर्क तो था। अब फर्क था इसी वजह से, ये डिफरेंस है कि मैंने वर्कआउट उस दिन वहां पे छोड़ दिया एंड जब मैंने दोबारा वर्कआउट किया फिटसी के रेजिस्टेंस बैंड से तो उसका एक अलग पंप था, एंड उसका अलग जो पंप था वो वीडियो में मैंने कैप्चर कर लिया जितना मुझसे हो सका।
उसका जो डिफरेंस था वो मतलब क्वालिटी का नहीं, वो तो साफ साफ दिख रहा है आंखों के आगे, हुक्स का या फिर इन कैनाबिना का कह लो। अब देखो इसमें और इसमें आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है, ऑलमोस्ट ट्वाइस या थ्राइस। अब इसका फर्क क्या है, ऐसा नहीं कि अगर आपका हुक छोटा है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप चाहते हैं कि आप 5 के 5 रेजिस्टेंट बैंड को एक साथ लगा के एक्सरसाइज करें तब दिक्कत आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब आम वाले में यूज किया था तो 5 के 5 एक साथ कनेक्ट नहीं हो सकते थे, एंड मैं आपको ये भी बता दूं 5 के 5 एक साथ कनेक्ट होके भी नहीं आए हुए थे जब वो प्रोडक्ट मैंने खोला था। वही ऑन द कॉन्ट्रेरी जब मैं फिटसी पे आया था तो फिटसी के 5 बैंड जो थे वो एक साथ कनेक्टेड थे उस एक एक हुक से, एंड उसके बाद भी इतनी स्पेस थी कि मैं इसमें लगा के यहाँ पे हुक में आराम से एक्सरसाइज कर सकूं, बिकॉज इसका अगेन ये जो चीज है ये भी बड़ा था एज कम्पेयर टू दिस। अगेन इसमें भी आपको डिफरेंस देखी जाएगा। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि हर एक चीज पे, फॉर एग्जाम्पल आप बैंड को भी भूल जाओ पल को, तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि जो हुक है या फिर जो कनेक्टर है जहां जहां वो चीज जुड़नी है वहां वहां पे भी जो बिल्ड क्वालिटी का था जमीन आसमान का फर्क था, जिसके वजह से मुझे मजा नहीं आ रहा था आम वाले रेजिस्टेंट बैंड में। तीसरी जो चीज थी वो थी ऑब्वियसली प्राइस। अब देखो प्राइस में आम रेजिस्टेंट बैंड वाला ही सस्ता था। अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो आपको ये बताना भी जरूरी है कि ऑब्वियसली अगर उनकी चीजें कम मिल रही है तो उसके पीछे भी कुछ तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग रही होगी। सो यही एक चीज है कि उन्होंने अपनी बिल्ड क्वालिटी को कम कर दिया जिसके वजह से उनका जो प्राइस था वो ऑब्वियसली फिटसी से कम था। लेकिन अगेन फायदा क्या है, मतलब अगर आप 700 रुपये खर्च कर रहे हो, एंड आपको मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि इसे एक रेजिस्टेंट बैंड के वर्कआउट से एक दिन के मेरी वो जो हुक की क्वालिटी थी वो सब ऐसे ढेर हो गई। तो आप इमेजिन कर लो कि अगर आप सोच रहे हो अभी भी कि 700 रुपये लगाना बेस्ट है तो लगा दो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, लगाने चाहिए, लगा डालो, क्या जरूरत है, एक दिन की तो बात है, एक दिन में 700 रुपये का कोई जाता ही नहीं, समझो। मतलब हर चीज सस्ती जो हो वो अच्छी हो जरूरी नहीं। ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप चाहें, मतलब अगर आप चाहते ही हैं रेजिस्टेंट बैंड से वर्कआउट करना तो प्लीज रेजिस्टेंट बैंड में आप फिटसी को ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज मैंने दोनों बैंड लेके ट्राई कर लिया, मेरे पास दोनों ही पड़े हैं। मतलब यार मेरे को जरूरत थी ही नहीं दूसरा मंगाने की, बिकॉज मैं एक मंगा चुका था, लेकिन मुझे ये चीज समझ में आ गई कि 700 रुपये उस रेजिस्टेंट बैंड के बिल्कुल ही वर्थ नहीं थे। हाउएवर अगर मैं फिटसी का मंगाऊं तो मेरे को बेटर पड़ रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो चलेगा ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम तक, तो पैसे वापस आ जाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू। Aloha.